एसएस राजामौली साहब की फिल्म आ रही है दोस्तों, इस बात का इल्म तो है हमें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फाइनली इसकी डेट रिलीज हो गई है? जी हाँ, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म है यानी कि RRR RRR, ये कौन से महीने में रिलीज हो रही है? इसी साल हो रही है, 2021 में। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूँ आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूँ, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। RRR की अगर बात करें यानी कि RRR की अगर बात करें दोस्तों, तो आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इसका एज यूजुअल जो राजामौली साहब की एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी है कोई भी फिल्म को हिट कराने के लिए, वो क्या करते हैं ना, उसकी मेकिंग को आउट करते हैं, और मेकिंग को आउट करके हमको पता चलता है कि अच्छा इसमें ये भी होने वाला है, अच्छा ये इसको इतना ग्रैंड तरीके से बनाया गया है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, तो SS राजामौली साहब की इस फिल्म यानी कि RRR का एक वीडियो रिलीज हो गया है जो कि है रोर ऑफ RRR, और ये इस वक्त सोशल मीडिया पे हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है, इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पे, जिसे जूनियर NTR साहब से लेकर अजय देवगन साहब, आलिया भट्ट और सभी लोगों ने जो है इस फिल्म के अंदर, अजय देवगन, इन सब ने जो है, रामचरण जी, इन सब ने जो है शेयर किया है। और प्लस रोर ऑफ RRR, ये RRR की मेकिंग है दोस्तों, और इस मेकिंग में जो देखने को मिला है ना, सच में गूज़बम्प्स है, लिटरली गूज़बम्प्स, चाहे वो हॉर्स राइडिंग के सीन हो, चाहे वो जूनियर NTR साहब के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो, आलिया भट्ट के कैरेक्टर का हो इंट्रोडक्शन, अजय देवगन साहब के हो, या फिर रामचरण जी के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो, वो लाजवाब है। और पता चल रहा है कि ये जो माइस्ट्रो फिल्म मेकर हैं यानी कि राजामौली साहब, उन्होंने कितनी मेहनत करी है। सेम बाहुबली जैसा ग्रैंड कॉन्वर्स जो है कैनवास है दोस्तों, और बाहुबली जैसा ही सेम मैं कह सकता हूँ कि वो फील आ रहा है। बट हाँ, हालांकि बाहुबली एक पीरियड ड्रामा थी, ये भी पीरियड ड्रामा है, लेकिन बाहुबली से काफी साल बाद की है। सो दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताएं, बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज।